हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समय जिसे हम सभी एक बार में एक ही स्वरूप में देख सकते हैं, ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही ये दो इकाइयों में बांटकर परस्पर चल सकता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय को बदला जरूर जा सकता है। और इस तरह की अनेकों कहानियां और घटनाओं के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा। लेकिन समय यानी टाइम से जुड़े इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है ये पैराडॉक्स। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। हमने ऐसे कई लोगों के बारे में आपको बताया है जो एक आम इंसान की तरह एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जो कि बेहद अविश्वसनीय था, और ऐसी अविश्वसनीय और अद्भुत घटनाओं ने उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों की आपबीती आपको सुनाएंगे जिसमें उन्हें लगा मानो उनकी जिंदगी के चंद सेकेंड्स या मिनट्स को किसी ने बदल दिया था, मानो वो कुछ समय के लिए समय में कहीं भटक गए थे। इतिहास में हुई ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा नाम मिला है टाइम स्लिप। लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर, फ्रैंक और उनकी पत्नी कैरल लिवरपूल यूके की बोल्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलेंस बुक शॉप नाम की एक दुकान में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक संकरी गली से जैसे ही फ्रैंक बाहर आए, उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ, क्योंकि उनके आसपास का नजारा अचानक थोड़ा सा अलग लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क बिल्कुल खामोश थी, और अचानक उनके पास से एक वैन तेजी से हॉर्न बजाते हुए निकली, जो कि दिखने में 1950 के समय में दिखने वाली वैन्स की जैसी थी, और उसके साइड पर कैपलैंस लिखा हुआ था। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को बीच सड़क पर खड़ा हुआ पाया, और आपाधापी में फ्रैंक ने रोड क्रॉस किया। लेकिन जब वो डिलेंस बुक शॉप पहुंचा तो वहां वो दुकान थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह ठीक उसी दुकान पर क्रिप्स फुटवेयर नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को ये देखकर बेहद हैरानी हुई, और जब उन्होंने उत्सुकता पूर्वक दुकान की डिस्प्ले विंडो से अंदर झांका तो पाया कि अंदर किताबों की जगह अब महिलाओं के हैंडबैग्स और शूज थे। अपने आसपास देखने पर फ्रैंक ने एक और अजीब बात नोटिस की कि उनके इर्द गिर्द चल रहे लोगों की वेशभूषा 1940 के दशक के लोगों जैसी थी। उन लोगों का पहनावा फ्रैंक के समय से काफी पहले के लोगों जैसा था। तभी फ्रैंक को वहां एक महिला दिखाई दी जिसने काफी नामचीन कंपनी और मॉडर्न पर्स लिया हुआ था। फ्रैंक उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी इस जगह में कुछ अजीब नहीं लगा, जिसके जवाब में उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ अपने लिए पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स हैं। यह सुनकर फ्रैंक अचंभित हो उठा, और इसी दौरान फ्रैंक की पत्नी वहां आई। फ्रैंक को परेशान देखकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। फ्रैंक ने उत्तर दिया कि मैंने अभी अभी कुछ बेहद अजीब सा महसूस किया। फ्रैंक ने इस पर रिसर्च करने का सोचा तो पाया कि वाकई ठीक उसी जगह पर क्रिप्स नाम का एक शोरूम 1950s में हुआ करता था, जिसकी फ्रैंक को पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर ये उसके साथ हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? 1800s टाइम स्लिप। एक 33 वर्षीय महिला और उनकी बेटी रात के समय डंडी मिशिगन के रास्ते कहीं जा रहे थे, लेकिन रात के समय वहां की सड़कें एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक उनके इर्द गिर्द का वातावरण बिल्कुल बदल गया। अब वहां हल्का फुल्का उजाला हो रहा था जैसे सूर्यास्त के समय होता है, और वहां की सड़कों पर अचानक अनेकों लोग दिखाई देने लगे। और तभी अचानक उनकी कार के सामने एक महिला जो कि अपना बेबी कैरेज लिए हुए थी, वो अकस्मात सामने आ गई, जिसके कारण कार चला रही महिला ने जोर से ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से उन्हें एक जोर का झटका लगा। और जब वो महिला उस झटके से उभरी तो आसपास का नजारा एक बार फिर पहले जैसा हो गया। एक बार फिर डंडी की वो सड़कें सुनसान थी, और वो काली रात अपने पैर पसारे उस महिला के सामने खड़ी थी। जब इस घटना के बारे में उस महिला ने अपने दोस्तों को बताया तो किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह महिला आश्वस्त थी कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सच था, कोई वहम नहीं। उसका कहना था
कि उसे आज भी वो बेबी कैरेज वाली औरत का चेहरा याद है। गाड़ी के सामने आने से वो भी उतना ही घबरा गई थी जितना गाड़ी के अंदर बैठी वो महिला। कुछ सालों बाद उस महिला ने अपनी बेटी से उस इंसिडेंट का जिक्र किया और पूछा, क्या तुम्हें उस दिन का कुछ याद है? तो उसकी लड़की ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मैं आपको चिल्लाते हुए और बात करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन आप कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो गई थी, पर आपकी आवाज मुझे तब भी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर वो महिला अचंभित हो उठी, क्योंकि उसको याद था कि उसकी बेटी तो सो रही थी, फिर उसको ये घटना कैसे याद रही। आपकी आज के एपिसोड में बताई गई घटनाओं के बारे में क्या राय है? क्या आप में से किसी को कभी ऐसा कोई आभास हुआ है? हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कभी सुगम रूप से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? ये तो एक जटिल सवाल है ही, लेकिन क्या हमारी मदर नेचर के पास भी ऐसी कुवत है जो कि किसी को समय में आगे या पीछे टेलीपोर्ट कर सकती है? क्या फ्रैंक और उस महिला के साथ घटित हुई घटनाओं का कोई और बेहतर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदते होंगे और वेबसाइट से उम्मीद करते होंगे कि वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स या कैशबैक दे, लेकिन कैशबैक के नाम पर 5-10% कैशबैक देकर वेबसाइट्स आपका दिल जीतने की कोशिश करती हैं। पर आज हम आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ आपको 5-10 नहीं, 20-30 नहीं, बल्कि 100% कैशबैक मिलेगा। इस वेबसाइट का नाम है cashkaro.com। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा अगर इस वेबसाइट पर विजिट करके साइन अप करते हैं तो आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा। आपको बस करना इतना है कि आप साइट पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करें सीविंग्स, यहां से ऑल ऑफर्स पर क्लिक करके कैशबैक ऑफर्स को एक्टिवेट करें, फिर उसके बाद विजिट रिटेलर पर क्लिक करें। अब आपको ये साइट सीविंग्स की ऑफिशियल साइट पर पहुंचा देगी, जहां आप 400 या 400 से अधिक कीमत के चश्मे खरीद सकते हैं और आपके cashkaro.com अकाउंट में ये 400 रुपये कैशबैक के रूप में वापस आ जाएंगे। अब ये 400 रुपये प्लस हमारे लिंक से साइनअप द्वारा मिले 50 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, तो जो चश्मे आपने मंगाए थे वो आपको एक तरह से फ्री में मिल जाएंगे और 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे वो अलग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने भी लगभग 4000 कैशबैक कमाए हैं, इसलिए हम आप सबको ये रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही चीज़ प्रमोट करते हैं जो हम खुद से यूज़ करते हैं। यही नहीं, इस वेबसाइट पर आप कई दूसरे ऑफर्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि Amazon, MobiQuick, Yatra.com जैसे कई अमेजिंग ऑफर्स आप ले सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।